हर्ष की बात है कि दक्षिणपुर मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन की आज स्थापना हुई थी 23 जनवरी 2012 को। ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ही भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी उनका भी जन्मदिन है। और कोरोना काल की वजह से हम लोग बिलासपुर मुख्यालय में नहीं जा पाए, लेकिन बिजरी शाखा में भाई अमरेश के अथक प्रयास से हम लोग जो है यहीं पे इसका आयोजन कर दिए। मेनली देखिए, संगठन जो है तभी आपका सक्सेस रहेगा जब इसमें पूरी तरह से एकताबद्ध रहेंगे, और एकताबद्ध के आगे लोकतांत्रिक के डेमोक्रेटिक में आपकी मांग को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसमें इतनी ताकत होता है, इसीलिए संगठन को खड़ा किया जाता है। और जो भारतीय रेल का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ट्रैकमैन कैडर है, इसमें इतनी शोषण और अत्याचार होता था पहले, और उन लोगों ने जो है एक संगठन बनाकर उसका विरोध नहीं किया, जिसका परिणाम हम लोग अभी झेल रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, जब जागे तभी सवेरा, अब जो है इसका क्रांतिकारी आंदोलन किया जाएगा और भारतीय रेलवे को जो है रूपांतरित जो है अच्छा एक समृद्ध रेलवे में किया जाएगा, और उसका श्रेय जो है ट्रैक मेंटेनर को ही मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर एक ऐसा कैडर है, जितनी भी भारतीय रेल का टेक्नोलॉजी जो है विकसित कर दिया जाए, लेकिन ट्रैक मेंटेनर जो कैडर है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसी गर्व के साथ हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, और पूरी लक्ष्य के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन भारत का एक भारतीय रेलवे का जो है एक ये जो है उदाहरण पेश कर देगा कि इसकी जो ट्रैक मेंटेनर यहाँ की जो है कितनी फौलादी इरादा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे सभी साथी को जिसने इस आज का जो स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है, उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग हमेशा जो अपना संगठन है उससे जुड़े रहें, और अभी आने वाले समय में यूनियन का चुनाव होने वाला है, तो इसमें हमारा एसोसिएशन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि इस यूनियन के चुनाव में अपना आप समर्थन सिर्फ ट्रैकमैन एसोसिएशन को दें। कुछ बोल दीजिए। और इस आज का जो स्थापना दिवस समारोह था, उसके समापन के लिए मैं चंदन जी को बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जिसने हम लाइव से जुड़े और हमारे एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर आप लोग सहयोग दिए। निश्चित तौर से आप लोग अपने संगठन से जुड़े रहे और अपने संगठन को इतना मजबूती प्रदान करें कि आपकी जो भी लक्ष्य हो, हार्ड अलाउंस, पुरानी पेंशन, LDC ओपन, आप जब तक अपने संगठन का मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपको ये हासिल नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर से हम लोग छीन के लेंगे, जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोग एक गौर से आज के नारा सुन लीजिए, आप लोग भी यही मांग कीजिएगा यूनियन से, तुम मुझे LDC दो, तुम मुझे पुरानी पेंशन ला के दो, तुम मुझे 30% हार्ड अलाउंस लेकर दो, तब मैं तुम्हें वोट दूंगा लेकर। यही आप लोग नारा हमेशा ध्यान रखिए, और इसी साथ में आज का जो है अपना जो समारोह था यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। राम के बोले कि नहीं कुछ। अरे हम नमस्कार साथियों, आज आपको पता है कि 23 जनवरी को ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन SCRTA का स्थापना दिवस के उपलक्ष में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और ये नवा स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आपको पता है कि जो चुनाव आने वाला है उसमें आपको पता है कि ट्रैक मेंटेनर इतनी बड़ी संख्या में है कि वो सत्ता पलट सकता है, इसलिए सब लोग एक रहे और आने वाले चुनाव में ध्यान दें कि जो भी ट्रैकमैन का मुद्दा उठाएगा आने वाले चुनाव में उसी को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारी मांगे हैं कि हमको 30% हार्ड अलाउंस मिलना चाहिए, और हमारा ड्यूटी विपरीत मौसमों के विपरीत होता है, फिर भी हम लोगों को 30% नहीं दिया जा रहा है, और जबकि गार्ड
होगा उसको 30% रनिंग अलाउंस मिलता है, उसी तरह हम लोगों को भी 30% रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए और एलडीसी ओपन ऑल करना